नॉर्थ गुजरात एजुकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळाना ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत छे। बाळमित्रों, धोरण 3 विषय हिंदी पाठ 14 विषयांक शब्द लेखन। पढ़ो समझो और लिखो, वाँचो समझो अने लखो। चित्र में कौन सा प्राणी है? तो चित्र में प्राणी है गाय। तो हिंदी शब्द में हम लिखेंगे गाय, अने गाय ने गुजराती में गाय कहवाय। तो आपणे गुजराती शब्द में लखीशुं गाय। चित्र में कौन सा प्राणी है? तो चित्र में प्राणी है बैल। तो हिंदी में लिखेंगे बैल, और बैल ने गुजराती में बड़द कहवाय। तो गुजराती शब्द में बड़द लखीशू बड़द। चित्र में कौन सा प्राणी है? तो चित्र में जो प्राणी है इसका नाम है चूहा। हिंदी में इसे चूहा कहते हैं। तो हिंदी शब्द में लिखेंगे चूहा, यानी चूहा ने गुजराती में उंदर कहवाय। चित्र में प्राणी है इसको हाथी कहते हैं। हाथी शब्द हिंदी में लिखेंगे, हाथी ने गुजराती में हाथी कहवाय। चित्र में प्राणी है इसका नाम हिरण है। हिंदी में इसको हिरण कहते हैं। हिंदी शब्द में लिखेंगे हिरण, यानी हिरण ने गुजराती में हरण कहवा। चित्र में कौन सा प्राणी है? चित्र में जो प्राणी है इसका नाम है घोड़ा। हिंदी शब्द में लिखेंगे घोड़ा, घोड़ा ने गुजराती में घोड़ो कहवाय। चित्र में कौन सा प्राणी है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको शेर कहते हैं। हिंदी में शेर, तो हिंदी शब्द में लिखेंगे शेर, यानी शेर ने गुजराती में सिंह कहवाय। चित्र में जो प्राणी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गधा। हिंदी में गधा लिखेंगे, अने गधा ने गुजराती में गधेड़ू कहवाय। चित्र में प्राणी है इसका नाम क्या है? चित्र में जो प्राणी है इसका नाम है ऊंट। ऊंट ने गुजराती में ऊंट कहवाय। चित्र में प्राणी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बंदर। हिंदी शब्द में हम लिखेंगे बंदर, बंदर ने गुजराती में वांदरो कहवाय। चित्र में प्राणी है इसका नाम है कुत्ता। तो कुत्ता हिंदी में लिखेंगे कुत्ता, कुत्ता ने गुजराती में कुत्रो कहवाय। चित्र में प्राणी है इसका नाम है बकरी। हिंदी शब्द में लिखेंगे बकरी, बकरी ने गुजराती में बकरी कहवाय।
चलो, चित्र में जो दिखाई दे रहा है इस प्राणी का नाम क्या है? हाँ, इस प्राणी का नाम है भैंस। तो हिंदी शब्द में हम लिखेंगे भैंस, भैंस नहीं, गुजराती माँ भैंस कहवाए। चलो बच्चों, चित्र में कौन सा प्राणी है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भैंसा। हिंदी में इसको भैंसा कहते हैं। तो भैंसा ने गुजराती माँ शू कहवाय, भैंसा ने गुजराती माँ पाड़ो कहवाय। तो चित्र में कौन सा प्राणी है? तो चित्र में जो प्राणी है इसका नाम है बाघ। हिंदी शब्द में लिखेंगे बाघ, यानी बाघ ने गुजराती माँ वाघ कहवाए। इस प्राणी का नाम क्या है? तो इस प्राणी का नाम है हिंदी में खरगोश। हिंदी में इसको खरगोश कहते हैं। हिंदी शब्द में लिखेंगे खरगोश, खरगोश ने गुजराती माँ ससलू कहवाए। इस प्राणी का नाम क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं भालू। तो हिंदी शब्द में लिखेंगे भालू, यानी भालू ने गुजराती माँ रींच कहवाए। चित्र में कौन सा प्राणी है? इसका नाम क्या है? तो इसको चित्ता कहते हैं। चित्ता शब्द हिंदी में लिखा, चित्ता ने गुजराती माँ चित्तो कहवाए। चित्र में जो प्राणी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है भेड़िया। हिंदी में इसको भेड़िया बोलते हैं। भेड़िया शब्द हम हिंदी में लिखेंगे, यानी भेड़िया ने गुजराती माँ सु कहवाय, तो भेड़िया ने गुजराती माँ भरू कहवाय। चलो, इस प्राणी का नाम क्या है? तो इस प्राणी का नाम है लोमड़ी। इसको हम हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। यानी लोमड़ी को गुजराती में क्या बोलते हैं? शियाड़। चित्र में कौन सा प्राणी है इसको क्या बोलते हैं? चित्र में जो प्राणी है इसको बोलते हैं भेड़। भेड़ ने गुजराती माँ कहवाए गेटू। थैंक यू।